रहा था कि लॉ स्कूल में तुम्हारा को करिकुलर डेवलपमेंट भी बहुत होता है. इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक्स दैट विच इज़ फोकस्ड ऑन. ठीक है, तुम्हारा जैसे स्पोर्ट्स हो गया, बहुत वाइब्रेंट कल्चर है लॉ स्कूल का स्पोर्ट्स का. सो एनुअली लाइक हर साल एक मीट होता है जहाँ पे नेशनल अलग अलग नेशनल लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आके पार्टिसिपेट करते हैं. लॉ स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, दैट गोज़ बाय द नेम ऑफ स्पिरिटस. तो वहाँ पे लाइक मेजर स्पोर्ट्स जो हो जाते हैं तुम्हारा, दिन क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, वो सब होते हैं. तो अदर थिंग इज टू डेवलप दैट टू स्पोर्ट्स वी हैव वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. जैसे नाउ वी आर सिटिंग ऑन बास्केटबॉल कोर्ट, इट्स अ फाइन बास्केटबॉल कोर्ट. जस्ट हमारे पीछे में यहाँ पे देर इज़ अ गुड क्ले टेनिस कोर्ट. हमारे बॉयज़ हॉस्टल के साइड में देर इज़ अ गुड फुटबॉल फील्ड. तो काफ़ी अच्छा है. फिर हमारा लाइक यहाँ पे 1 या 2 किलोमीटर पे साई है. सो वहाँ पे देर इज़ अ इंटरनेशनल लेवल तुम्हारा स्विमिंग पूल विच हैज़ लाइक आई थिंक डेप्थ ऑफ 24-25 फीट. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू गेट टू यूज़ दोज फैसिलिटीज़. और फिर लाइक साई में भी लाइक अभी इंडियन नेशनल हॉकी टीम आके प्रैक्टिस करती है. सो दे हैव दैट काइंड ऑफ अमेजिंग कोर्ट जो है वहाँ का, ग्रास कोर्ट. एंड स्पिरिटस के टाइम पे एज आई वाज सेइंग वी गेट टू यूज़ दैट कोर्ट एज वेल. सो लाइक इट्स प्रॉपर लाइक सो स्पोर्ट्स का कल्चर काफ़ी वाइब्रेंट है. सो इट हेल्प्स लाइक यू नो ऑल अराउंड डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होती है. थिएटर ऑल्सो एज शी वाज सेइंग हमारे पे है कुछ लोग जो थिएटर कराते हैं, एडमिट वन होता है, देन उसके बाद ऑल्सो गेट टू प्रैक्टिस डे टू डे बेसिस पे प्ले कैसे करने हैं. सो थिएटर है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक, वी हैव अकैपेला ग्रुप. अकैपेला ग्रुप होता है म्यूजिक में लाइक यू नो जैसे हम बात कर रहे थे स्ट्रॉबेरी फील्ड्स होता है विच हैज़ लाइक यू नो बैंगलोर के 3 दिन इट्स अमेजिंग मौसम में. इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट बैंड्स इन द कंट्री कम टुगेदर, कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में कम्पीट करते. और लाइक आखिरी के फाइनल डे पे पीपल लाइक रघु दीक्षित हैव परफॉर्म्ड हियर, जंकयार्ड ग्रव हैज परफॉर्म्ड हियर. सो वेरी गुड बैंड्स हैव कम हियर. सो देयर इज अ वेरी वाइब्रेंट कल्चर. और ये सब एक्टिविटी जो होता है ये कंप्लीटली स्टूडेंट रन होता है, मोस्ट ऑफ इट, मेजॉरिटी ऑफ इट. या इट्स ऑल स्टूडेंट रन लाइक, बट सिस्टम हेल्प. जैसे कि मैं बता रहा था कि यू नो तुम इट्स नॉट जस्ट लाइक यू नो तुम्हारा स्पोर्ट्स एंड लाइक म्यूजिक एंड एकेडमिक्स. अनदर थिंग लॉ स्कूल विच आई थिंक ब्रिंग्स आउट यू नो तुम्हें जो आने में मदद करती है, इट्स लाइक एज अ लॉयर हमें थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. एटलीस्ट वी फील सो लाइक राइट. सो लॉ स्कूल हेल्प्स अस इन दैट बिकॉज यू नो तुमको अगर कुछ सोसाइटी के बारे में कुछ फील होती है तो देर आर वेरियस ग्रुप स्टूडेंट कमिटीज़ जो फॉर्म हुई है लॉ स्कूल के अंडर में जो इन चीज़ों के बारे में डील करती है. जैसे देर इज़ अ लॉ सॉक, लॉ एंड सोसाइटी करके ग्रुप है विच डील्स की अगर सोसाइटी में कुछ हो रहा है. अभी रिसेंट में हमने ग्रुप फॉर्म किया विच गोज़ बाय द नेम ऑफ स्पैक विच स्टैंड फॉर सावित्री फुले अम्बेडकर कैरवान. सो लाइक यू नो कुछ चीज़ें जैसे कि लाइक कास्ट के इशूज़ हो गए या फिर कुछ जेंडर इशूज़ हो गए, दिस आर थिंग्स वी टॉक अबाउट. सो दैट्स द वही मेरा पॉइंट है कि लाइक यू नो लॉ स्कूल जस्ट एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करता है. दैट इज़ देयर, तुमको वो करना पड़ता है, बट उसके साथ तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं. गेट इट, यू गेट टू लाइक हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हु यू आर. तुम्हारा खुद का एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, तुम्हें एक अच्छा सेंस आता है कि तुम क्या बन रहे हो, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कर क्या रहे हो. और जो सोशली जो चल रहा होता है इश्यूज, एग्जैक्टली काम करने का उस पे सोचने का एक मौका मिलता है. लीगल सर्विस क्लिनिक, वो लोग जो है हर साल पर्टिकुलर केसेस लेते हैं, यू नो लाइक फाइनेंशियली डिप्राइव पीपल जिनके पास पैसा नहीं है. सो दे एक्चुअली ड्राफ्ट लाइक थिंग्स फ्रॉम देम एंड दे लाइक फाइट देयर केसेस. तो तुम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट यू कैन वर्क ऑन दोस केसेस एंड गेट टू नो लाइक यू गेट टू वर्क ऑन रियल केसेस, प्रैक्टिकल नॉलेज. एंड यू नो उस पॉइंट को बढ़ाते हुए दैट द थिंग, लॉ स्कूल का कल्चर भी अभी बहुत चेंज हो रहा है. लाइक जैसे अभी कॉरपोरेट सेक्टर इज गुड, तुम पैसा बहुत है, बट लॉ स्कूल में अगर तुम देखो तुम्हारी क्या वैल्यूज है. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, अगर तुमको कॉरपोरेट में काम नहीं करना है तो काफ़ी लोग NGOs में जाके काम करते हैं. अभी लाइक एक ट्रेंड चेंज हो रहा है कि लोग UPSC काफ़ी कर रहे हैं, लाइक सिविल सर्विस एग्जाम्स दे रहे हैं एंड दे आर गेटिंग गुड रैंक्स वगैरह, बिकॉज तुम्हारा वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है राइट. तुमको वो आदत होती है.